अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मंसूरुल नायजो। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्टोमेटा। सिंगुलर स्टोमा मीन्स माउथ, यानी इसका सिंगुलर स्टोमा होता है जिसका मतलब होता है माउथ। देर आर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ये माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती हैं जो लीव्स के एपिडर्मिस में मौजूद होती हैं। थ्रू दीज ओपनिंग्स प्लांट एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। इन ओपनिंग की मदद से प्लांट जो है अपने माहौल से गैस एक्सचेंज करता है। ईच स्टोमा इज अ सिलिट लाइक ओपनिंग फॉर्म्ड बाय टू स्पेशल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। हर एक स्टोमा जो है यानी एक सिलिट लाइक होती है, उसे एक ओपनिंग होती है जो यानी उसमें दो स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स विद थिकर इनर वॉल वाइल थिनर एंड इलास्टिक आउटर वॉल सेल वॉल्स। इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है और इनकी जो इनर वॉल होती है वो थिकर होती है, आउटर जो होती है वो थिनर होती है और इलास्टिक होती है, लचकदार होती है सेल वॉल। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ गार्ड सेल्स। और स्टोमेटा की जो ओपनिंग है या क्लोजिंग है उसमें मौजूद जो पानी होता है या जो टर्जिडिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। ड्यूरिंग डे टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द एक्युमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट्स काज इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। यानी दिन के वक्त क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो जारी रहता है, तो इस वजह से जो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट होती हैं सॉल्यूट होते हैं वो जमा होते हैं, इसलिए गार्ड सेल की जो टर्जिडिटी होती है वो ज़्यादा होती है। दस स्टोमा आर ओपनड एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग प्लेस इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिवन आउट ऑफ ऑक्सीजन बिगिंस अंटिल इट बिकम्स डार्क। सो इस अमल की मदद से स्टोमेटा जो है टर्जिड होती हैं तो ओपन होती हैं और वहाँ पर अमल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ये अमल तब तक चलता है जब तक यानी जो है डार्कनेस ना हो जाए या जो है सूरज ढल ना जाए, तब तक ये अमल होता है। सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर, दिस इज एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। पहली साइड क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल सेल्स हैं। स्पंजी मेसोफिल, ये मेसोफिल सेल्स हैं और ये लोअर एपिडर्मिस है। यहाँ पर देखें आप वाटर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, यहाँ पर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो होती हैं वो जमा होती हैं। वीन कार्बन डाइऑक्साइड यानी ली जाती है जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। वाटर वेपर स्टोमा, यानी जहाँ पर भी स्टोमा होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोमेटा, यहाँ पर भी आप स्टोमेटा या स्टोमा देख सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर दाखिल हो रही है गैस एक्सचेंज। तो आप स्टोमा की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्टोमा है वो ओपन है, टर्जिड है, यानी जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड हैं तो स्टोमेटा ओपन है, और यहाँ पर जो है गार्ड सेल्स फ्लैसिड हैं या वो जो हैं उनके अंदर पानी नहीं है, वो टर्जिड नहीं है, तो यहाँ पर स्टोमेटा क्या है क्लोज है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, गार्ड सेल एंड सेल वॉल। दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट द स्टोमेटा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।